आज हमारे बीच में जिला टीकाकरण अधिकारी हैं डॉक्टर मनोज सेमुएल। सर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये जानना चाहेंगे कि जिले में टीकाकरण की क्या स्थिति है। सबसे पहली बात ये है कि जिले में अभी जो टीकाकरण का अभियान है जिसमें हम फर्स्ट डोज जो है 95% कम्प्लीट कर लिए 14,61,000 और सेकेंड डोज जो है 13,71,000 9% के करीब है। और इसके अलावा भी जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि 12 से 14 वर्ष के लिए कार्बोवैक्स की वैक्सीन लग रही है और 15 से 17 वर्ष जो है ये उनके लिए जो है आपके कोवैक्सीन का यूटिलाइजेशन किया जाता है या उससे वैक्सीनेशन किया जाता है। 15 से 17 साल वालों के 1,10,000 का टारगेट है और 12 से 14 वालों का 89,000 का टारगेट है। अभी तक हमने 30 लाख के ऊपर लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अभी 75 दिवस के लिए जो 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, सरकार के द्वारा दिया गया है, इसमें 18 से लेकर के 59 वाले जो हैं जिनको अपना वैक्सीनेशन जिनका दोनों डोज कंप्लीट हो गया और 6 महीना पूरे हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो आप किसी भी सेंटर में जा कर के अपना प्रिकॉशन डोज जिसको आप बूस्टर डोज कहते हैं लगवा सकते हैं। और ये पहले नर्सिंग होम को दिया गया था और कास्ट के साथ में पैसे के साथ में लगवाना था, लेकिन अभी जो है आपको ये वैक्सीन जो है शासन के द्वारा फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमारा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक जो सेंटर्स आपको बताए जाते हैं डेली उसमें जाएं और अपना वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और आप जब देख रहे हैं कि हमारा कवरेज बहुत अच्छा, इसलिए ऐसा कोई भी अहित या क्षति इंसान की नहीं हो रही है, इसका श्रेय जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आप 100% करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कोविड का बीमारी हो सकता है लेकिन इसमें कैजुअल्टीज भर्ती होने वाला या मृत्यु तक जाने वाली बातें नहीं होती, जिसको बोलते हैं कि जिसमें आर्थिक और शारीरिक दोनों क्षति हो सकती वो सारी बातें नहीं होंगी। इसलिए हम मेरा अनुरोध है और हमारे डिपार्टमेंट का अनुरोध है स्वास्थ्य